Hi guys, welcome to MB's Man Cave and welcome to another episode of Whiskey Wednesday. But ye koi another episode nahi hai. This is a very special episode of Whiskey Wednesday because this is the first episode of Whiskey Wednesday in our new setup. I'm so excited and I'm so thankful to all of you guys. Kitna support diya aap logon ne. इतने सारे कमेंट्स आए. थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए. आई विल बी इटर्नली ग्रेटफुल. बट नाउ वी हैव टू गो बैक टू व्हाट वी डू बेस्ट, जिसकी वजह से आपको ये चैनल पसंद है, जिसकी वजह से आप मुझे प्यार देते हैं. गोइंग बैक टू मेकिंग द कंटेंट यू लव. और आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विस्की विच आई हैव बीन ड्रिंकिंग फॉर लास्ट ऑलमोस्ट अ मंथ. और काफ़ी कुछ कहने को है मेरे पास इस विस्की को लेकर. सो चलिए शुरू करते हैं. सो जिम बीम ब्लैक, जिम बीम वाइट जो है, जो रेगुलर जिम बीम है, दैट्स ऑफ कोर्स अ विस्की विच आई रियली लव. और उसके पीछे तीन रीजंस है. द फर्स्ट रीजन इज ऑफ कोर्स इट्स अ बर्बन विस्की, तो कुछ अलग ऑफर करती है आपको. द सेकेंड रीजन बीइंग कि काफ़ी बजट फ्रेंडली है, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते आपको. अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 1800 की पड़ती है, बट यू कैन गेट इट फॉर एज लो एज 1000 रुपीज इन गुड़गांव. सो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है विस्की ड्रिंकर्स के लिए. बट द थर्ड इम्पॉर्टेंट, जो थर्ड पॉइंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए, और वो है दैट दिस विस्की, जो जिम बीम वाइट विस्की मैं बात कर रहा हूँ, इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट विस्कीज. आई कैन ड्रिंक इट एनी टाइम, वेदर आई वॉन्ट टू मिक्स इट और वेदर आई जस्ट वॉन्ट टू हैव इट नीट. एक ऐसी विस्की है जिसे आप किसी भी तरह से पी सकते हैं एंड इट्स अ वेरी फ्रेंडली विस्की, जिसको ख़रीदने के पहले मुझे दो बार सोचना नहीं पड़ता दैट वेदर आई विल एक्चुअली एंजॉय इट और नॉट. एंड देन कम्स जिम बीम ब्लैक, उसका बड़ा भाई हम इसे कह सकते हैं, बिकॉज एसेंशली इट्स वेरी सिमिलर टू जिम बीम वाइट, बट इसे एक्स्ट्रा एज कराया गया है. नॉट रियली श्योर कि कितना ज़्यादा एज कराया गया है, बिकॉज जिम बीम वाइट कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स के लिए एज कराई गई है, और कहा जाता है कि इसे कराया गया है 8 ईयर्स के लिए एज. सो जिम बीम की हिस्ट्री के बारे में आप लोग को बता चुका हूँ पहले अपने जिम बीम वाइट के रिव्यू में, कैसे 1795 में जेकब बीम ने शुरू किया था ये डिस्टिलरी, लेकिन इसे आगे लेकर गए थे जेम्स बीम 1933 के बाद, क्योंकि जब प्रोहिबिशन हुआ, जब यूएसए में बैन हो गया अल्कोहल के ऊपर, तो जिम बीम जो कंपनी थी काफ़ी लॉस सफ़र किया उन्होंने, लेकिन जेम्स बीम जो उसी फैमिली के ही हैं, वो इस कंपनी को आगे लेकर गए प्रोहिबिशन के बाद, और उनका नाम आज भी फेमस है काफ़ी ज़्यादा. अगर आप जिम बीम वाइट की बॉटल ख़रीदते हैं तो आपको वो 7 जनरेशंस दिख जाएंगी बॉटल पर. एंड ऑफकोर्स अगर आप पूरी हिस्ट्री को डिटेल में जानना चाहते हैं then do watch the Jim Beam White review. In fact, I would suggest कि definitely आपको check out करना चाहिए because it is an amazing whiskey. आज की डेट में इसे own करता है Beam Suntory, which is a merger between Beam, Jim Beam and Suntory. And I think it's probably one of my favorite brands, favorite companies, because जितने products वहाँ से आते हैं, I am really a big fan of those products. So I was really looking forward to trying this one. So price is ₹3,040 for the bottle in Delhi, and it comes with an alcohol percentage of 43%. So definitely price काफ़ी ज़्यादा है, ₹3,000 for a bourbon whiskey. It's a bit difficult decision to make, considering as I said, Jim Beam is available for 1800. So ₹1200 का difference है दोनों में. और तो क्या इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि वो जो एक्स्ट्रा ₹1200 जब आप देते हैं तो आपको चुभेंगे नहीं? दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट्स अ क्वेश्चन जो मैं जिसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ, बिकॉज आई हैव नो डाउट कि इसका टेस्ट रेगुलर जिम बीम से बेटर होगा, बट इतना बेटर है कि इसका जो कॉस्ट है वो जस्टिफाई हो सके. लेट्स फाइंड आउट, लेट्स डू अ टेस्टिंग एंड गेट आवर आंसर्स. एंड ज़्यादा स्पोरिंग नहीं करी मैंने क्योंकि अभी दिन का टाइम है, बट दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ दोस विस्कीज़ जिसे आप
आप ज़्यादा से ज़्यादा पीने का मन करेगा आपका. And one thing which I would like to point out that this color that you see, this is a natural color. ये बिल्कुल भी artificial coloring इसमें added नहीं करी गई है. Definitely that signature Jim Beam का जो aroma है, जो notes हैं, they are coming pretty clearly to me. जो दैट वनीला जो एक सिग्नेचर नोट है जिम बीम का, दैट्स प्रॉब्ली द मोस्ट प्रोमिनेंट द मोस्ट डोमिनेंट नोट इन दिस. डेफिनेटली सम ओक वुड. ऑफकोर्स दिस इज एज्ड इन फ्रेश अमेरिकन ओक बैरल्स. पूरे चार्ज किया जाता है, अंदर से चार जलाया जाता है, जिससे जो ओक कैरमलाइज हो जाती है और आप एंड यू गेट दैट हनी दैट कैरमल नोट्स इन द विस्की. आई एम गेटिंग सम मे बी दैट यू नो दैट लाइट फ्लोरल नोट्स जो आई डोंट थिंक दैट आई गेट फ्रॉम द रेगुलर जिम बीम. बट आई हैव टू से ऑन द नोज कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है ये जिम बीम से, रेगुलर जिम बीम से. बट लेट्स टेस्ट इट बिकॉज असली डिफरेंस टेस्ट से पता लगता है. सो डेफिनेटली स्टार्ट्स ऑफ वेरी स्मूथ, ऑलमोस्ट सिमिलर टू जिम बीम, बट डेफिनेटली हैज अ स्लाइट स्पाइक टू इट. यू कैन फील दैट. आई थिंक द जिम बीम जो रेगुलर है दैट इज ऑल्सो दैट ऑल्सो कम्स एट 43% एंड दिस वन ऑल्सो कम्स एट 43%. बट सम हाउ मुझे लगा दैट दिस इज स्ट्रॉन्गर इन टेस्ट. That there is a bit of pepper that you get, a bit of chocolate notes that you get at the back end. I would say that this is still pretty good to drink, neat, and I think एक डेप्थ है इस विस्की में. देयर इज अ लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी विच आई एम फाइंडिंग जो शायद जिम बीम से आपको नहीं मिलेगी. बट अगेन द क्वेश्चन इज दैट वेदर दैट इज अ गुड थिंग और नॉट. गुड थिंग और नॉट इज बिकॉज जिम बीम एज अ सेड जब मैं पीता हूँ आई ड्रिंक इट बिकॉज आई फाइंड इट टू बी वन ऑफ द मोस्ट ईजी गोइंग विस्कीज. आई कैन ड्रिंक इट वेरी इजिली यू नो व्हेन आई एम नॉट लुकिंग फॉर समथिंग टू कॉम्प्लेक्स. आई गो फॉर समथिंग लाइक जिम बीम. And this is definitely more complex, definitely has more depth, as I said, as compared to Jim Beam White. Normally, when I want to drink something complex, something which has, you know, more depth to the notes, I drink maybe a scotch. So that's where I get confused, you know. I'm just thinking ki agar mujhe एक कॉम्प्लेक्स विस्की पीनी है तो क्या मैं जिम बीम ब्लैक खरीदूं या फिर मैं कोई स्कॉच विस्की खरीदूं. बिकॉज यस इट इज़ अ गुड विस्की. ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि बुरी विस्की है. बट समवेयर आई थिंक दिस इज ट्राइंग टू फिल अ ब्लैंक विच डज नॉट रियली एग्जिस्ट. सो आई होप आप लोग समझ पाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर. देर इज़ नो डाउट दैट दिस इज अ गुड विस्की. आई एम गोइंग टू गिव इट 9.2 out of 10 as far as taste is concerned. But for me, it's very difficult to justify the cost of this whiskey, jo 3000 hai, 1200 rupees hai, because somewhere I feel that if I want to drink something more complex, I will probably go for maybe a scotch whiskey, and I can find a good complex scotch whiskey for this price range. But शायद उसके पीछे यही एक reason है कि मैं इतना used to नहीं हूँ bourbon whiskies के, because India में इतनी bourbon whiskies मिलती भी नहीं है. Usually what you find is
more of the beginner level, and I have only tried maybe 4 or 5 bourbons in my entire life. So maybe I'll get used to this whiskey as I drink it more and more. Maybe आने वाले 1-1.5 साल में हम इस whiskey को दोबारा revisit कर सकते हैं once I get used to the taste. But at this point, I will give this whiskey 9.2 for taste मैंने दिया है, but I'm gonna give it maybe 8 out of 10 for value for money. I'm not cutting down a lot of points because I do think it's a good whiskey. ऐसा नहीं कि whiskey कहीं से भी बुरी है. So इसका MB's Man Cave score होता है 8.6 out of 10. So दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो Jim Beam Black whiskey के ऊपर. कैसा लगा आपको मुझे बताइए कमेंट्स में. लाइक करिए वीडियो को, पसंद आया अगर आपको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पैच पियो.